झामुमो के युवा नेता जेएमएम युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद सोमवार को गांडे प्रखंड के मेदनी सारे गांव में एक बैठक की। इस दौरान ये यहां के स्थानीय युवाओं से मिले एवं युवाओं को अपने घरों के बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने को लेकर जागरूक करते हुए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को अपने हक हुकूक को लेकर आगे आने को कहा कि युवा ही अपने समाज, राज्य व देश के विकास में अपना अहम भूमिका निभा सकता है। युवा ही देश का भविष्य है, इसलिए युवाओं को अपने क्षेत्र के विकास के लिए आगे आने की जरूरत है, तभी क्षेत्र का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि युवा साथी अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ने को तत्पर रहे, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कार्यशैली को सराहना करते हुए कहा कि हेमंत दास सूबे के जनता के हित को लेकर आए दिनों काफी जन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, जो कि बेहद सराहनीय कदम है। उन्होंने स्थानीय लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आप सभी युवा सक्रिय रूप से पार्टी के साथ जुड़कर कार्य करने की कोशिश कीजिए। जहां भी कोई परेशानी हो हमसे संपर्क करें, हम आपके परेशानी को दूर करने के लिए 24 घंटे खड़े मिलेंगे। इस मौके पर मोहम्मद हारून राशिद, मोहम्मद बहादुर सहित दर्जनों आदिवासी युवा साथी उपस्थित थे। आज हम लोग यहाँ पे इतनी सारे में एक बैठक रखी है हमने सारे युवा साथियों की, और ये हम लोग ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की बैठक है और सारे युवा साथी इसमें आए हैं। हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की, हमने विकास के बारे में बात की, हमने युवा साथियों के साथ खड़े रहने की बात की, और मैंने इन्हें सभी को यही आश्वासन दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इनके साथ हमेशा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। और मैंने इन्हें सारे युवा साथियों से यही अपील की है कि आप लोग भी जागरूक होइए, आप लोग भी अपने हक के लिए लड़िए, अपने हक का जो भी है आप लोग लीजिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री साहब हेमंत दा बहुत काम कर रहे हैं लोगों के लिए, और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उस काम को यूज़ करें, उस काम के बारे में हम लोग समझें, सीखें और उसका हम लोग फ़ायदा उठाएं। इसके लिए मैं खड़ा हूं और यहां के सारे लोग खड़े हुए हैं।